पूरे देश में जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित अन्य नेताओं ने देशवासियों को जन्माष्टमी की बधाई दी। राष्ट्रपति के ऑफिशियल हैंडल्स एक्स पर बधाई देते हुए लिखा गया, जन्माष्टमी का त्यौहार हमें भगवान श्री कृष्ण के गीता के उपदेश को समझने, अमल मिलाने और निष्काम कर्म करने की प्रेरणा देता है। भगवान श्री कृष्ण ने पूरी मानवता को धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। इस शुभ अवसर पर हम जन कल्याण की भावना के साथ आगे बढ़ें और अपने समाज और राष्ट्र को समृद्ध बनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों के जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। पीएम के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर बधाई संदेश में लिखा गया, जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। श्रद्धा और भक्ति का ये पावन अवसर मेरे सभी परिवारजनों के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे, यही कामना है। जय कृष्ण। पीएम मोदी आसियान भारत शिखर सम्मेलन में शामिल होने इंडोनेशिया दौरे पर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, आप सभी को जन्माष्टमी के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आप सभी के सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की भगवान श्री कृष्ण से कामना करता हूँ। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी जन्माष्टमी पर लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, निष्काम कर्योग की महान शिक्षा से मानव सभ्यता के पथ निर्देशक भगवान श्री कृष्ण के अवतरण महोत्सव की प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। आज पूरे देश में जन्माष्टमी बहुत ही धूमधाम से मनाई जा रही है। हर साल जन्माष्टमी दो दिन मनाई जाती है, इसलिए भी ये 6 और 7 सितंबर को मनाया जा रहा है।